हेलो दोस्तों, मेरे चैनल टेक गौरव जी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आग लगने पे फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर कौन सा कहाँ पे यूज़ करें। फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर चार तरह के होते हैं। सबसे पहले आता है ड्राई केमिकल, दूसरा CO2, तीसरा फोम और चौथा वाटर। अब चलते हैं कि कौन सा कहाँ पे यूज़ करना है। अब ए प्लास्टिक, वुड एंड स्टिक में अगर आग लगी हो तो हमको कौन सिलेंडर यूज़ करना होगा। हम लोग ड्राई केमिकल सिलेंडर यूज़ कर सकते हैं, CO2 सिलेंडर नहीं यूज़ कर सकते हैं, फोम यूज़ कर सकते हैं और वाटर यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं टाइप बी तरफ, फ्लेमेबल एंड कम्बस्टेबल लिक्विड। इसमें आता है आपका पेट्रोल, केरोसिन और आपका डीजल। अगर इसमें आग लगे तो आप ड्राई केमिकल का सिलेंडर यूज़ कर सकते हैं, CO2 का सिलेंडर यूज़ कर सकते हैं, फोम का सिलेंडर यूज़ कर सकते हैं, मगर वाटर का सिलेंडर नहीं यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं टाइप सी तरफ। टाइप सी में आपका आता है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। अगर किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जैसे बिजली दौड़ती है उसमें आग लग जाए तो उसमें आप ड्राई केमिकल यूज़ कर सकते हैं, CO2 यूज़ कर सकते हैं, फॉर्म और वाटर नहीं यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ऐसे और जानकारी के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।